नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर है आपका दोस्त राजीव रॉय। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सीलिंग फैन कैसे लटकाया जाता है सीलिंग फैन में। तो देखिए दोस्तों, मेरे दो कंपनी का सीलिंग फैन लाया गया है, तो इसको कैसे लटकाया जाता है, इसके पैकेट का अंदर क्या क्या रहता है सीलिंग फैन लटकाने के लिए, तो आज लोग हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो देरी ना करके। और दोस्तों, मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सवाल सुझाव रहेगा तो कमेंट वीडियो में जरूर करें। देखिए दोस्तों, एक पॉली कैप एक फैन हम निकाल के रखे हैं, तो फिर भी हम एक लुमिनस कंपनी का जो पैकेट है उसको खोल के हम देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। तो पहले आपको दिखा देते हैं इस मकान का कितना सुंदर रंग पेंट बनाया। इस भाई साहब का मकान है तो कितना सुंदर मकान बनाया है, और रंग पेंट भी बहुत मस्त पेंट किया है। इसके अंदर रंग पेंट का साथ साथ पेंटिंग भी किया गया है वॉल में। तो आपको भी कैसा लगा रंग पेंट वीडियो देख के, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, रूम में घुसाते हैं, उसके बाद रूम का भी कलरिंग बहुत मस्त किया है, उसके साथ वॉलपेपर जैसा ही पेंटिंग किया है। और देखिए, उसका साथ साथ मेरा जो स्विच बोर्ड लगाया गया है रूम में, वो कलरिंग स्विच बोर्ड लगाया गया। तो कौन सा स्विच बोर्ड लगाया गया है इसमें, तो ये भी आपको वीडियो लास्ट में बताने वाले हैं, तो वो भी आपको कमेंट करके बताना होगा। तो आपका स्विच बोर्ड कैसा लग रहा, तो चलिए फटाफट आप मेरे पैकेट को, ये देखिए कलर बोर्ड है, तो खोलते हैं उसके अंदर क्या क्या जो सीलिंग में टांगने के लिए क्या क्या सामान पैकेट में देता है हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, ये देखिए मेरा पैकेट को खोला गया, उसके अंदर दो गो कैप दिया गया, तो दो गो कैप और एक गो डाउन रड दे गया, और एक गो कैलम नटबोल दे गया है, उसका फैन मोटर है उसके अंदर में। तो इसको फटाफट निकाल के आपको फिटिंग करके सीलिंग फैन को लटकाते हैं। तो इसका बॉडी अच्छा ही लग रहा, तो सीलिंग फैन को जब निकालिएगा, नटबोल है पैकेट में, और सीलिंग फैन को जब निकालिए, मोटर को निकालिएगा, उसका नीचे से आपको कार्टून या थर्मोकोल नीचे से देना होगा, क्यों ना आपको जो ब्लेड लगाते हैं उस समय आपको फैन का नीचे वाला हिस्सा घिसा जाता है, और जब लटकाएंगे उसके समय देखने खराब लगेगा, तो इसलिए हमको थर्मोकोल या कार्टून नीचे में देना पड़ेगा। उसके बाद इस पैकेट में कोई वायर नहीं दिया गया, तो हम थोड़ा अलग से वायर लिए हैं, उसके बाद हम इसमें डालते हैं। तो किस तरह से डालते हैं वो देखते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। रॉड है इसमें, 9 इंची का डाउन रॉड है, इसमें वायर को कैसे है? तो एक तरफ मेरा डाउन रॉड का चिरा हुआ है मुँह है, और एक तरफ ऐसे छेदा किया हुआ है वायर पार करने के लिए। तो वायर को कैसे पार किया जाता है देखिए, तो पहले हम तो वायर का पार करना दिखाया, लेकिन अब वायर को जब कैप लगेगा उसके बाद वायर पार कीजिए तो आपको आसान होगा। तो इसमें क्या होता, जो इसका कैप है, कैप का छेदा थोड़ा सेम साइज का है डाउन रॉड का, तो किस तरह से पार किया जाता देखिए, चलिए दिखाते हैं किस तरह से पार कर। देखिए, एक छेदा है वायर पार करने के लिए, वायर को पार कर रहे हैं, उसके बाद जो डाउन रॉड का मुंह चीरा हुआ है एक तरफ, उसके सहायता में हमको वायर को निकालना है खींच के। देखिए, खींच के निकाला जा रहा, मेरा वायर निकल गया। उसके बाद सीलिंग रोज कितना दूरी में है आपको फैन हुक से, तो देख के आपको वायर काटना पड़ेगा उतना लंबा रख के। तो उसके बाद, लेकिन इस पैकेट में वायर नहीं दिया गया, कुछ कुछ कंपनी में देता है वायर को कनेक्शन करने के लिए, तो हम अलग से लिए हैं बाहर से। तो उसके बाद ये देखिएगा, तो इस तरह से पार करना है। ये पॉली कैप का है, जो कैप डाउन रॉड है, देख लीजिए किस तरह से लगाया, तो आप भी उस तरह से लगा सकते हैं। मेरा घर मालिक देख रहे हैं तो इस तरह से लगा सकते हैं, और मेरा कोई मिस्त्री भाई देख रहे हैं तो भी देख लीजिए अच्छा से किस तरह से पार करना है। उसके बाद फैन को कैसे लटकाया जाता है दिखाते हैं, पूरा फिट उठ करके। उसके बाद हम फैन मोटर को, इस डाउन रोड को फिट कर देंगे। तो पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको जो शाफ्ट है, शाफ्ट आपको पतला हो जाएगा और डाउन रोड आपका मोटा हो जाएगा, मतलब बैस एरिया मोटा हो जाएगा, उस जगह इस जो पैंच खोल रहे हैं उसको टाइट करने से आपको डाउन रोड हिलेगा नहीं, पंखा भी हिलेगा नहीं, तो उसको टाइट करना है।
उसके बाद ये जो फैन मोटर से वायर निकला है और कैपेसिटर का, उसके बाद हम लाइन कनेक्शन लिए, जो वायर हम पार किए हैं डाउन रॉड में, ये देखिए बोल्ट दिया गया है और पाइप कैप वाशर दिया गया है, दो ठो नाट दिया गया है, वो देखिए क्लैम रबर दिया गया, ये सब सब फैन हुक में लगे, ये वाला हम मेरा वो डाउन रॉड के साथ फिट होगा फैन मोटर के साथ, ये वाला नाट बोल्ट, तो ना बोल्ट नाट दो ठो दिए, कैप ये कैप वाशर है, पाइप कैप वाशर, इसको दोनों साइड से पाइप को दाब के रखता है जो पाइप हिलने नहीं देगा, तो घुसाते हैं, देखिए एक तरफ पाइप कैप वाशर लगाया गया, उधर दूसरे साथ भी पाइप कैप वाशर लगाया जाएगा, उसके बाद नाट को टाइट कर जाएगा, बोल्ट के साथ टाइट कर देंगे, दो प्लस लेके आपको टाइट करना होगा, मान लीजिए पाइप का व्यास ज़्यादा हो गया, सेफ्ट आपको पतला हो गया तो उसमें हिलेगा, तो ज़्यादा टाइट कर देना है अच्छा से, उसके बाद चीरा पिन लगाना है ज़रूरी, ये बात ध्यान दीजिएगा, कोई मेरे मिस्त्री भाई देख रहे हैं तो वो लगाइए, और कोई मेरे घर मकान मालिक देख रहे हैं तो वो मिस्त्री देखे अच्छा से लगवाए, क्यों ना नाट कभी काल ढीला होके आपको नाट निकल सकता। दोस्तों चीरा पिन लगाने से आपका फैन मोटर कभी गिरेगा नहीं, तो चीरा पिन के आप चीरा पिन भी कह सकते हैं या सेफ्टी पिन भी कह सकते हैं, सेफ्टी पिन भी बोल सकते हैं, नहीं तो चीरा पिन भी बोल सकते हैं, इसको लगाने से नाट को निकालने नहीं देगा, ढीला हो जाएगा भी, तो इसको नाट को चीरा पिन जरूर लगाइए दोस्तों, नहीं तो एक खतरा का घर होगा, कहीं भी दुर्घटना हो सकता है, तो उसके बाद हम कनेक्शन कर दीजिए, जो कनेक्शन पॉइंट दिया गया है लाइन कनेक्शन के लिए, तो उसमें ये दो ठो तार जो है न्यूट्रल फेज के लिए है, न्यूट्रल फेज, तो आप किसी भी पॉइंट में आप जोड़ सकते हैं न्यूट्रल, ऐसा कोई बात नहीं है जो इसी में न्यूट्रल जोड़ना है इसी में फेज जोड़ना है, किसी भी जोड़ सकते हैं आगे पीछे करके, तो उसके बाद सीलिंग रोज में कनेक्शन कर देना जो बड़ा हुआ तार है, चलिए मेरा ऑलरेडी यहाँ का काम हो गया है, उसके बाद प्लस दोनों प्लस देकर टाइट करके, और उसके बाद मेरा सीलिंग फैन हुक पास ले चलेंगे, हम पहले फैन मोटर को टांग दिए उसके बाद ब्लेड लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ आपका जगह कम रहेगा उसमें ब्लेड लगा के आपको चढ़ाना होगा फैन को, और इसमें मेरा जगह क्यों ना हमको सीलिंग में हम फैन हुक लगाएं, फैन बॉक्स नहीं लगाएं, इसीलिए मेरा जो मेरा पेचकस है या स्क्रू ड्राइवर वो लगाने में मेरा आसान रहेगा, इसका लंबा ज़्यादा है और मेरा स्क्रू ड्राइवर छोटा होगा, तो इसी चलते मेरा घुमाने में आसान रहेगा, इसीलिए हम ब्लेड बाद में लगा रहे हैं, तो घूम जा रहा देखिए, तो इसमें हमको आराम रहता है, और कुछ कुछ जगह में क्या होता है जिसमें फॉल्स सीलिंग लगा हुआ रहता है या फैन बॉक्स लगा रहा, तो उसमें जगह कम रहता है, डंटी छोटा हो जाता है, उसमें पेचकस लंबा हो जाएगा तो घूमेगा नहीं, तो उसमें ब्लेड लगा के हम चढ़ाते हैं, तो ये भी अच्छा करके ब्लेड लगाइएगा, नहीं तो हिलेगा, आवाज़ करेगा और बाद में खुल सकता है, और पंखा भी डोलेगा नहीं। उसके बाद हम इसमें स्विच में कनेक्शन कर देंगे और फैन को घुमाएंगे, मेरा ऑलरेडी फिटिंग हो गया है, देखिए नीचे से बहुत अच्छा लग रहा है, लोमिनस जो फैन है सो बॉडी, चलिए हो गया फिटिंग, हो गया हॉल का फिटिंग हो गया है, सर देखिए कितना मेरा रेगुलेटर के साथ हम कनेक्शन कर दिए और घुमा दिए, घूम रहा फैन, देखिए हॉल का पेंटिंग भी बहुत अच्छा किया है, देखिए सीढ़ी का भी पेंटिंग अच्छा है, मस्त लग रहा, रूम भी मस्त बनाया गया है, मकान जो है बहुत मस्त बनाया गया है, रूम में ले आए आपको दोस्तों, देखिए इसमें प्रीतम कंपनी का स्विच बोर्ड लगाया गया है, और इस वॉल पेपर है नहीं, इसे पेंटिंग किया हुआ है कलर पेंटिंग, देखिए मेरा कलरिंग स्विच बोर्ड कितना अच्छा लग रहा है रूम के अंदर कलर बोर्ड। दोस्तों आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और दोस्तों मेरे चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, तो दोस्तों धन्यवाद।
फैन मोटर के।